हमने 2009 से अपने इस फ्लैट को बुक किया था और आज हम 2017 में भी सड़कों पर हैं। ये कैसा देश है, ये कैसा मेक इन इंडिया है सर। यहाँ मेक इन इंडिया वाली कोई बात नहीं है, आप देखिए हर कोई परेशान है, आज हर कोई अपने आशियानों को लेकर असुरक्षित है। मैं सभी से ये अपील करती हूँ, सभी पॉलिटिकल पार्टी से अपील करती हूँ, पीएम मोदी जी से, सीएम जी से, सभी प्लीज आप सहानुभूति मत दिखाए, बात बस से बदतर ना हो जाए सर। आज कुछ ही लोग हैं, कल को ये बहुत बड़ा संकट हो सकता है। बिल्डर से हर कोई परेशान है नोएडा में, आज सिर्फ जेपी नहीं, बहुत आगे आगे आने वाले ऐसे बिल्डर हैं। आज एक एग्जाम्पल ऐसा प्रस्तुत कीजिए सबके आगे कि सब लोग यही कहें कि नहीं, प्लीज सभी से मेरी यही दरख्वास्त है, प्लीज आगे आए ताकि सभी भाई इस तरह सड़कों पर ना आए। सिर्फ आपके हाथों में है, अब सबको आप ही से उम्मीद है, प्लीज जेपी हाय हाय। अभी क्या मांगे, किन मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? नहीं, हम तो चाहते हैं हमारा घर मिले, हमारे को तो सिंपल मांग यही है, इसीलिए हमने घर बुक कराया। एक आम आदमी होने का एक ही तो सपना है, रोटी कपड़ा और मकान, और अगर मकान ही ना मिले हमारे को तो हम क्या करें। पूरी अपनी जमा पूंजी हमने यहाँ लगा दी, पूरी जमा पूंजी हमने पूरा, हमारे को जेपी ने बोला कि आप हमें इतना पैसा दीजिए, 90% घर दीजिए, हम आपका घर, हमें जयप्रकाश सेठ ने बोला कि आप हमें पैसा दीजिए, हम आपका घर 2013 से 2015 में बना के दे देंगे। आज यहाँ 2017 आ गया है, जयप्रकाश सेठ ने ना तो हमें घर दिया, जब बोला कहते 2019 में देंगे, जब जो थोड़ा सा और पुश किया कि हमें हमारा घर दे दीजिए, इन्होंने कंपनी लॉ के अगेंस्ट ऐसा किया, हमें अपने आप को इंसॉल्वेंट प्रूव कर दिया। बड़ा विचित्र कार्रवाई है ये, देखिए घर देने का वादा किया जयप्रकाश सेठ ने, उन्होंने कर दिया, उन्होंने जयप्रकाश इंफ्रास्ट्रक्चर को लगा दिया कि प्रॉपर्टी हमने जेपी से जेआईएल से ली है, इंफ्रास्ट्रक्चर से ली है, बनाएंगे जयप्रकाश सेठ। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जयप्रकाश इंफ्रास्ट्रक्चर को दिवालिया घोषित करवा दिया ताकि लोग परेशान हो जाएं, ना हमें घर देना पड़े, हमारा पैसा हमने जयप्रकाश सेठ के थ्रू ले लिया, हम तो मज़े में, हमने सारे लोगों को, अब हमने तो मज़े ले लिए, हमने सारा पैसा साइफन कर लिया अपने अकाउंट में जयप्रकाश सेठ के नाम पे, अब जेएल को दिवालिया घोषित कर दिया। अब इससे क्या हुआ, सारे लोग परेशान हैं, सारा पैसा फंस गया, ना हम उनका पैसा देंगे, और इससे क्या होगा, हम एंड में लूजर्स कौन है, होम बायर्स, बट हम लूजर्स नहीं बनना चाहते, हम जंतर मंतर पे आए हैं, ऐतिहासिक जगह पे, हमें राइट्स चाहिए, हम अपने राइट्स के लिए कहीं भी जाएंगे, हमें अपने जस्टिस, हमें अपने जुडिशियल सिस्टम में पूरा भरोसा है, हम जाएंगे जहाँ पर जाने के हमें वो है, हम हर जगह जाएंगे, बिकॉज हमें हमारा घर चाहिए। अगर जयप्रकाश सेठ हमें हमारा घर नहीं दे सकता तो हमारी सरकार से मांगे इसका कॉर्पोरेट बिल हटाइए, आपको पता लगेगा जयप्रकाश सेठ और जयप्रकाश इंफ्रास्ट्रक्चर एक ही मालिक की कंपनी है, ये और कुछ नहीं है, कंपनी का पैसा बनाने का एक तरीका है, गुमराह कर रहे हैं, हमें हमारा घर चाहिए, चाहे वो जेपी इंफ्रास्ट्रक्चर दे चाहे जयप्रकाश एसोसिएट दे, अगर जेआईएल हमें हमारा घर नहीं देता तो हम जाल से लेंगे हमारा घर, और जाल के पास भी नहीं है पैसा तो हम सरकार से बोलेंगे आप इस गवर्नमेंट को प्रॉपर्टी लीजिए और आप हमारा घर लीजिए। एक बड़ी इम्पॉर्टेंट बात ये है, ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉपर्टी जो हमारे घर जा चुके हैं, ये बैंक की प्रॉपर्टी है, मॉर्गेज है, ये प्रॉपर्टी मॉर्गेज करी है बैंक को हमने ताकि हमें लोन मिल सके, तो जयप्रकाश इंफ्रास्ट्रक्चर को इस प्रॉपर्टी में कोई राइट नहीं है, तो ये क्यों कन्फ्यूज कर रहे हैं बायर्स को कि आप फॉर्म सी भरिए फॉर्म एफ भरिए, क्यों, ये तो प्रॉपर्टी बैंक की है, तो ये तो कन्फ्यूजन करने का एक तरीका है। और आई पर्सनली बिलीव कि हमें को जुडिशरी सिस्टम को यहाँ पर आना चाहिए, हमारे प्रधानमंत्री से हमारी मांग है, हमारी रिक्वेस्ट है, उन्होंने एक बार सपना दिखाया था कि हम बायर्स के राइट्स को डाइल्यूट नहीं होने देंगे, हमारे को हमारे बायर्स के राइट को प्रिवेंट कीजिए, उन्हें पता है कि ये धांधली होती है, उन्होंने एक स्पीच में बोला भी था कि उन्हें सब पता है, पैसा ले लेते हैं फिर 10 साल 15 साल बाद भी घर नहीं मिलते, बट ये एक जेपी इंफ्रास्ट्रक्चर
एक मील का पत्थर साबित होना चाहिए गवर्नमेंट के लिए, जहाँ पर गवर्नमेंट आए, पब्लिक का पैसा बचाए और अपना गवर्नमेंट के जो हमारी ड्यूटी है उनको ट्रस्ट, दे शुड गवर्नमेंट को अपना ट्रस्ट प्रूव करना चाहिए कि पीपल हैव इंक्रीज देयर ट्रस्ट अवर गवर्नमेंट, हमें हमारा ट्रस्ट वापस दिलाइए गवर्नमेंट के प्रति, हमारी यही मांग है। अगर हमें अरे वी वॉन्ट आर होम्स, अगर हमारे होम हमें नहीं मिले तो हम EMI कहाँ से देंगे, तो हमारी बैंक से भी अगर आप हमारे घर ना दिला पाएँ तो EMI तो हमारे स्टॉप कर दी, ताकि हम घर बच्चों को कुछ खिला पिला पाएँ, क्योंकि हमारे पास पैसा ही नहीं बचा देने के लिए घर को। दिस इज ऑल आवर रिक्वेस्ट, थैंक यू। हम सब आम आदमी हैं, नॉट आम आदमी पार्टी की मेंबर्स, हम मेहनत करके पैसे जमा करते हैं और हमने सबने इस आशा से ये यहाँ पे पैसे इन्वेस्ट किया कि हमें हमारा घर मिलेगा। हमने हमारे प्रॉपर्टीज़ हमारे अपने पैसे से नहीं खरीदी गई है, हमारे प्रॉपर्टीज़ हमने लोन लिए हैं। हम यहाँ पे कोई 60,000 रुपये EMI दे रहा है, कोई 1,00,000 रुपये EMI दे रहा है, कोई 10,000 रुपये दे रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि हमारे पास पैसा फ्री में रखा है, हम मेहनत करते हैं, हम सुबह ऑफिस जाएंगे, काम करके खाना खाएंगे या यहाँ पे आके धरना देंगे, बिकॉज JP को किसी ने बहुत अच्छी एडवाइस दी कि आप ये प्रोसीडिंग्स फाइल कीजिए, आप ये आपका सबसे अच्छा छुटकारा का तरीका है। अभी JP करेगा तो सारे बिल्डर्स यही करेंगे, भाई हम दिवालिया घोषित हो गए, हमारे पास पैसा नहीं है, कोई आए हमारा घर बना दीजिए और हम जो पैसा खा गए वो हम किसी को नहीं देंगे। ये इस तरह की जो लॉज जो बनाए गए हैं, ओनली वन साइडेड लॉज, उसका गलत फ़ायदा बिल्डर्स को नहीं जाना चाहिए, ये मेरा मानना है। मैडम, राज्य सरकार से आपका किस प्रकार की लड़ाई है? अभी JP का बताया, फिर राज्य सरकार का बताया। हमने इस सरकार को चुना था अपने सभी अधिकारों के लिए, जो हमारे आम अधिकार हैं वो हमसे ना छीने जाएं। हमने किस तरह, हमें पता है कि हमने किस तरह पेट काट काट के एक एक पैसा जोड़ के JP को दिया है। आज वो JP उस पैसे को अपनी अय्याशी के लिए इस्तेमाल करना चाहता है या किसी चीज़ के लिए इस्तेमाल करना चाहता है, मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे मेरा घर चाहिए। हमें भी अपने बच्चे पालने हैं, अपने माँ बाप को पालना है जो इतने ओल्ड हैं, हमारे घरों में 90-90 साल पुराने माँ बाप, ओल्ड माँ बाप बैठे हैं, उनको हम कैसे लुक आफ्टर करें? हमने भी अभी उनका बुढ़ापा है, कल को हमारा बुढ़ापा है, अभी बच्चों को पढ़ाना है लिखाना है, हम क्या करें? हमने बहुत ज़्यादा सफ़र कर लिया, हम सोचते थे आज नहीं कल, कल नहीं परसों, पर अचानक से अभी 2009 से बुक किया हुआ, 2013 में जो मिलना है, आज 2017 में वो अपने आप को दिवालिया घोषित करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा, नहीं होने देंगे, बिल्कुल नहीं होने देंगे, चाहे उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े। आगामी योजना क्या रहेगी आपकी? आगामी योजना ये रहेगी कि JP वालों को हिला के रखेंगे, मोदी साहब को जगा के रखेंगे। अरुण जेटली साहब सिर्फ सहानुभूति नहीं कर सकते, उनको हमें हमारे अधिकार दिलाने पड़ेंगे, उन वो भी लॉ से बहुत अच्छे से वाकिफ है कि एक आज आम आदमी कैसे एक एक पाई जोड़ता है। आपको क्या पता उसके पीछे हमारे कितने सेक्रीफाइसेस हैं, हमने कोई शौक नहीं पूरे किए, तो आज हमें उन पैसों को, वो पैसा अगर हमने कहीं और लगाया होता तो वो तो कहाँ पहुँच जाता? क्या हम उस पुराने दिए हुए पैसे को हम क्या ले लेके ही हम तंग होते रहेंगे? ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। Major problem is we are not able to connect with each other.
So my request would be, we'll do next protest even bigger, even better, at better location. Absolutely. Totally right. Yes, we should do that. We need to do that. Major issue is we are not able to connect. I assure you that I'll take police permission, whatever, wherever it is required. I'll also get into that. But my request would be, we'll not go beyond the rules of the game with the law, but we'll protest even better, even bigger next time. Yes. So my request would be, please convey this message to your friends. Please bring them. I'm doing it for my purpose. I'm doing it for my home. Please do it for your home. कहना चाहूंगा नो एसोसिएशन रजिस्टर्ड एसोसिएशन है, वो जान जाए, उन्होंने ग्रुप बनाया हुआ है, तो सभी लोग मिस्टर डेविड माइक नहीं है। एक मिनट, इम्पोर्टेंट बात ये, जो मेरी आत्मा को चोट लगी है वो समझाता हूँ। जैसे मैंने डायलॉग करा, सबसे पहले जेपी चोर है, मैंने कहा वो जेपी आंदोलन जिसके कारण हम आपातकाल में जेल गए थे, उस जेपी के बाहर आदमी के लिए आज इस जेपी ने उसको चोर बना दिया। जेपी चोर है, ये शब्द बहुत खराब शब्द है, क्योंकि इस जेपी के कारण वो जेपी आंदोलन जो बहुत बड़ा मूवमेंट था वो आज खराब हो रहा है, क्योंकि मुंह से ये निकल रहा है कि जेपी चोर है, यानी कि वो ये इस मनोज गौड़ ने इसको गौड़ बोलिए, चलिए बैक हो जाइए वहाँ तक। उल्टा पूरी ब्रांड ही उसने नीलामी कर दी है। छोटी सी एक बात मतलब ही है, इतने लोगों का पैसा खा के वो चला गया, पूरा ही चोर है। क्या अभी किसकी वकालत से कुछ नहीं, जेपी ब्रांड ही लगा दिया जब दिवाली घोषित कर दिया, गलत किया, वही तो कर रहा है। जो भीड़ तो उसी गुडविल पे काम कर रहा है।